हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल पॉइंट फॉर यू पे। तो दोस्तों, मोनेटाइजेशन को लेकर YouTube की तरफ से फाइनली न्यू अपडेट आ चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम इस न्यू अपडेट के बारे में जानने वाले हैं। तो प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहेगा। अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हैं, आपका चैनल रिव्यू में या फिर रिव्यू में जाने वाला है, तो आप लोग तो इस वीडियो को एकदम से ध्यान लगा कर देखना, थोड़ा सा भी स्किप बिल्कुल मत करना, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपके वीडियोज एडवर्टाइजर फ्रेंडली हैं, तो आपके चैनल को 100% मोनेटाइज कर दिया जाएगा। अब मैं उन चैनल्स के बारे में बता देता हूँ जिन पे सिर्फ डुप्लीकेशन किए जाते हैं, मतलब सिर्फ किसी और के कंटेंट से अपलोड किए जाते हैं, कहीं से कोई वीडियो डाउनलोड करके अपने चैनल्स पर री अपलोड कर देते हैं, तो इस तरह के चैनल्स को अब मोनेटाइज नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों, ये बात आती है कि देखिए, कोई जो रोस्टिंग का चैनल होता है या फिर कोई ये रिएक्शन का चैनल होता है, तो क्या इस तरह के चैनल्स को मोनेटाइज किया जाएगा? तो दोस्तों, इस तरह के चैनल्स को मोनेटाइज किया जा सकता है, बशर्ते उन्हें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करने होंगे। तो सबसे पहला तो ये है कि देखिए, फेस और वॉइस ये दोनों उस वीडियो में होना चाहिए जिस पे आप किसी का रोस्टिंग या फिर किसी का ये कर रहे हैं, ये रिएक्शन दिखा रहे हैं, तो ये दोनों होनी चाहिए। आपका आवाज़ होना चाहिए उस वीडियो में और आपका फेस होना चाहिए। ये दोनों में से देखिए, आपका वॉइस रहेगा और फेस नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन आप अगर दोनों रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर आप किसी का रोस्टिंग या फिर रिएक्शन का वीडियो बना रहे हैं, तो आपको उस वीडियो में अपना फेस दिखाना जरूरी है या फिर अपना वॉइस भी डालना जरूरी है। और दूसरी बात ये कि आपको वैल्यू प्रोवाइड करना, जिस किसी के बारे में आप रोस्टिंग कर रहे हैं उनके बारे में आपको बता देना, डिस्क्रिप्शन में बता देना, उसका लिंक दे देना, जहाँ से भी डाउनलोड किए हैं आप उसका मतलब आप लिंक दे सकते हैं। उसके बाद आपको उस वीडियो में बता देना है कि ये वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड है, आपको मतलब जो भी आप बना रहे हैं वीडियो, जिस चीज़ कमेंट्री कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपको वीडियो में बता देना या फिर डिस्क्रिप्शन में बता देना है। और जहां से भी आप वीडियो लिए हैं, जिनका भी वीडियो लिए हैं, उसका लिंक आप दे सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? तो अगर आपका रोस्टिंग या फिर रिएक्शन का चैनल है, तो आपको ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करने हैं। आपका वॉइस और आपका फेस आना बहुत ही जरूरी है, ठीक है? और आप अपने डिस्क्रिप्शन या फिर वीडियो में उस बारे में जरूर आपको बताना है। तो अब हम बात कर लेते हैं व्हाट्सएप स्टेटस चैनल्स के बारे में। तो दोस्तों, व्हाट्सएप स्टेटस चैनल्स को भी अब यूट्यूब मोनेटाइज नहीं करेगा, क्योंकि व्हाट्सएप स्टेटस जो वीडियोज होते हैं उनमें कॉपीराइटेड सॉन्ग्स, कॉपीराइटेड वीडियोज होते हैं, तो इसलिए अब व्हाट्सएप स्टेटस चैनल्स को भी यूट्यूब मोनेटाइज नहीं कर रहा है। अब दूसरी तरफ दोस्तों, उस तरह के वीडियोस को भी YouTube मोनेटाइज नहीं कर रहा है जिस वीडियो में किसी सॉफ्टवेयर या फिर किसी ऐप्स की मदद से वॉइस बनाया गया हो या फिर कोई वीडियो कॉपीराइटेड डाला गया हो और वॉइस अपना नहीं हो, तो उस तरह के वीडियोस को अब मोनेटाइज नहीं कर रहा। उस तरह के अगर आप वीडियोज डालते हैं अपने चैनल पर, तो आपके चैनल को मोनेटाइज नहीं किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो टॉकिंग टॉम का जो चैनल्स होते हैं, उनमें तो देखिए वॉइस तो किसी आदमी का नहीं होता है। देखिए, कोई भी आदमी अपना वॉइस डालता होगा भले ही किसी ऐप में, लेकिन उसका वॉइस को वो चेंज कर देता है, किसी दूसरे टॉकिंग टॉम का आवाज में उसे कन्वर्ट करके डालता है। और उसमें जो इमेज होता है जो वीडियो में, वो भी कॉपीराइटेड होता है, जो कि टॉकिंग टॉम का जो विली वाला होता है वो कॉपीराइटेड इमेज होता है। और वॉइस तो आप किसी सॉफ्टवेयर या फिर किसी ऐप्स की मदद से लिए हैं, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपना ओरिजिनल वॉइस ही डालना है, आपको अपना वॉइस चेंज करके बिल्कुल भी नहीं डालना है। और फिर दोस्तों, कोई ऐसे वीडियो जिस पे सिर्फ टेक्स्ट लगाए जाते हैं या फिर कोई इमेजेस को स्लाइड स्लो करवाया जाता है और वहाँ पे वॉइस किसी और का यूज किया जाता है, मतलब किसी ऐप की मदद से टेक्स्ट के थ्रू वॉइस तो कन्वर्ट होता है, तो वो वॉइस लगाया जाता है, तो आपको ये भी बिल्कुल नहीं करना। आपको अपना ओरिजिनल वॉइस अपलोड करना है और आपका फेस कैम भी हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आपको अपने ओरिजिनल वॉइस ही डालना है, किसी ऐप या फिर किसी वेबसाइट की मदद से कोई वॉइस डाउनलोड करके आपको बिल्कुल भी नहीं अपलोड करना है। अब दोस्तों, लास्ट में आपको मैं उन चैनल्स के बारे में बता देता हूँ जिनका चैनल बहुत ही दिनों से रिव्यू में पड़ा हुआ है, मतलब 4-5 महीने या फिर 2-3 महीने, अगर बहुत दिनों से आपका चैनल रिव्यू में पड़ा हुआ है, तो आपको क्या करना है और अब यूट्यूब क्या करेगा? दोस्तों, जिसका चैनल एडिशनल रिव्यू यानी बहुत ही दिनों से रिव्यू में है, तो उनके चैनल को रिव्यू बार बार यूट्यूब कर रही है, तो आपके चैनल का मोनेटाइजेशन इनेबल होगा या नहीं, ये लास्ट दिसंबर में आपको फाइनल डिसीजन मिल जाएगा, ठीक है? तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। वीडियोज रेगुलरली तो भी आपको अपलोड करते जाना है, आपको अपने ओरिजिनल कंटेंट से अपलोड करना है, दिसंबर तक आपको थोड़ा सा वेट करना है। आप रेगुलरली वीडियोज अपलोड करते रहिएगा, ये खास यूट्यूब ने कहा है कि आपको रेगुलरली वीडियोज अपलोड करना है, तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज मैं आपको कुछ बेटर इन्फॉर्मेशन दे पाया, तो प्लीज इस वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल वाले आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।